हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस डिसेंट लर्निंग सीरीज जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स और जो चैटिंग्स में मैसेज आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि जो सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हुए हैं तीनों दिन, तो उसमें कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड जा सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उस पर मैंने हिंदी और जीएस दोनों के पेपर देखे और पिछले साल के मुकाबले कंपेयर भी किए, और जो पेपर का लेवल था उनको जब स्टडी किया तो ये चीज़ देखने में आई कि पिछली साल का अगर पेपर देखें तो उसके मुकाबले इस साल के तीनों दिनों के पेपर कंपेरेटिवली थोड़े से अच्छी स्थिति में थे, इतने आसान नहीं थे। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे, जो नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट थे, वो इस बार कंपेरेटिवली ज़्यादा थे, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हर बार अटेंड करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर मैं आपको मोटा मोटा एस्टिमेट बताऊं कट ऑफ का, तो मुझे लगता है कि जो पिछले साल के मुकाबले 10 मार्क्स कट ऑफ बढ़ सकती है इस बार। हालांकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो भी ज़्यादा है, और उसके साथ ही जो अटेम्प्ट देने वाले कैंडिडेट हैं वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि जो कट ऑफ है वो 10 नंबर बढ़ सकती है। तो इसकी अगर बात करें हम लोग कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज में पिछली साल जनरल की कट ऑफ जो थी वो 20 बन गई थी, और मुझे लगता है कि इस बार जो जीएस और हिंदी दोनों के पेपर का जो लेवल देखा जाए तो दोनों को मिलाकर एक तरह से जो कट ऑफ हो सकती है इस बार वो आई थिंक कि 210 प्लस माइनस 10 रहेगी। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो मुझे ओबीसी की कट ऑफ भी जनरल की कट ऑफ के बराबर ही लगती है, 210 प्लस माइनस 10। और अगर एसटी की कट ऑफ की बात की जाए तो पिछली बार 164 जो कट ऑफ थी, मुझे लगता है कि इस बार जिसके 170 मार्क्स आ रहे हैं या जो 170 प्लस माइनस 10 की जो उसमें लिमिट में आ रहे हैं, वो लोग आराम से फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि एससी की कट ऑफ की बात की जाए तो लास्ट टाइम 161 थी, तो अब इस बार 10 मार्क्स के आसपास कट ऑफ बढ़ सकती है। तो वही 165 प्लस माइनस 10 का जो रेशियो है उसके अंतर्गत मुझे ये कट ऑफ लग रही है। प्लस जो गर्ल्स कैंडिडेट है, तो गर्ल्स कैंडिडेट को 36% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी होता है, और जो भी गर्ल्स कैंडिडेट 36% क्वालिफाइंग मार्क्स ले आती है उनका फिजिकल के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल होता है। तो अब इस परीक्षा में आप लोगों ने अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा को अच्छे से दिया है, तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और प्लस साथ ही मैं उन सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास अगर बाउंड्री पर भी आप लोग हैं तो फिजिकल की तैयारी बड़े ही इत्मीनान से कीजिए, क्योंकि यदि लास्ट टाइम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स जो अच्छे से उनके अच्छे मार्क्स थे, इनफैक्ट कुछ कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं जिनके 320-330 तक मार्क्स थे और वो फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो गए। तो अभी पूरी स्थिति, पूरी पिक्चर क्लियर कर पाना इतना आसान नहीं है, तो आप इस परीक्षा के जो तीनों चरण हैं उसमें प्रॉपर बने रहिए और फिजिकल के लिए अपनी तैयारी अब से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स अबोव हो जाएगी इंटरव्यू कॉल के लिए। अर्थात अभी जो 210 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 300-310 के आसपास कट ऑफ पहुंच जाएगी, और जो फाइनल इंटरव्यू कॉल के बाद जब सिलेक्शन के लिए कट ऑफ आती है या सिलेक्शन में आप लोगों के लिए जब सर्विस एलोकेशन होता है AP, IB, RAC, ठीक है, MB जो मेवाड़ भील कोर है, तो इन सब के लिए जो फाइनल इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ होती है 310 या 301 वाली, उसमें से 50% अगर माइनस कर देते हैं हम 50 मार्क्स, तो ऑटोमेटिक जो आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए या जो आपको सर्विस एलोकेशन के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं उसकी हमें कट ऑफ मिलती है। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के भी लगभग 200 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं जनरल और ओबीसी में, वो बिल्कुल हताश नहीं होए और वो फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा है और इस बार फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो मुझे लगता है कि लगभग 18,000 लोगों को कॉल किया जाएगा। तो 18,000 लोगों में आराम से आपके अगर 210 के आसपास मार्क्स है, 200 के आसपास मार्क्स है, तो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर फिजिकल टेस्ट। तो अब मैं पुनः इस DLS चैनल को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस बार सब इंस्पेक्टर को समर्पित करके भी अपनी जो इकोनॉमी का कंटेंट है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तक लिखी थी, और
मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो तीनों दिन का पेपर हुए उनमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया। तो जब लोग मैसेज करते हैं बताते हैं कि भाई साहब आपकी पुस्तक वाकई लाजवाब थी, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो पुस्तक कट पेस्ट नहीं है, वो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, उनके आधार पर लिखी हुई है। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आर एस प्री का है या और भी एग्ज़ाम है, उनके लिए संदर्भित पुस्तकें ही पढ़ें और प्लस अपना जो मोटिवेशन लेवल है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको अच्छा रखें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इस DLS चैनल का।